हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर चैप्टर नंबर जो 4 है उसको डिस्कस कर रहे हैं और 4.3 के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली बात करें इसके जस्ट प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर हमने 1 to 5 तक के जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे हमने डिस्कस किए वन बाय वन तरीके से कि वो क्वेश्चन किस तरह से होता है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे बात करें तो आपके पास यहाँ पर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। यस, थोड़ा आगे क्वेश्चन के ऊपर चले तो देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है जरा उसको डिस्कस करें। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है जरा उसको डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इफ द वर्क डन बाय द बॉडी, यस इज द वर्क डन बाय द बॉडी ऑन द एप्लीकेशन फॉर द कॉन्स्टेंट फोर्स, यस ऑन द कॉन्स्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, यस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है आपके पास डिस्टेंस है। यस, आपके पास जो डिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं आपके पास बेसिकली बात करें वर्क डन बाय द बॉडी के लिए है और उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है आपके पास बेसिकली बात करें फोर्स के यहाँ पर इक्वल है। क्लियर। उसके बाद बोला है ट्रेवल बाय द बॉडी एक्सप्रेस द फॉर्म ऑफ द इक्वेशन इन द टू वेरिएबल्स एंड ड्रॉ द ग्राफ एट द सेम बाय द टेकिंग द कॉन्स्टेंट फोर्स इज इक्वल टू 5 यूनिट। Also read the following the graph and work done to the distance traveled by the body is. तो यहाँ पर distance आपके पास दे रखी है। तो देखिए यहाँ पर कुल मिला के बात करूँ यहाँ पर तो सबसे पहले मैं देखिए यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, कुछ assumptions कर रहा हूँ यहाँ पर, assume कर रहा हूँ यहाँ पर। देखिए क्या assume कर रहा हूँ जरा उसको देखिए यहाँ पर। तो देखिए मैं यहाँ पर देखिए कर रहा हूँ यहाँ पर कि हमारे पास जो work done by the body है, yes यहाँ पर बात करें तो आपके पास क्या लिख रहा हूँ work done by the body है यहाँ पर, yes work done by the body, yes work done by the आपके पास body है उसको मैं मान रहा हूँ x, मान रहा हूँ क्या मान रहा हूँ उसको वो x मान ले। और उसके साथ बात करें यहाँ पर डिस्टेंस के बारे में, यस मैं बात करूँ यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहा हूँ डिस्टेंस के बारे में, उसको मैं मान रहा हूँ y, उसको क्या मान रहा हूँ y मान रहा हूँ। अब ये दोनों क्या है आपके पास बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपके पास कितना आ रहा है बेसिकली बात करें y आ रहा है, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपके पास क्या रहा है y आ रहा है। अब जैसे ही आप यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा एक कॉन्स्टेंट आएगा, यस आपके पास क्या आएगा कॉन्स्टेंट आएगा और वो कॉन्स्टेंट कितना दे रखा है देखिए यहाँ पर द कॉन्स्टेंट फोर्स एज ए 5 यूनिट, द कॉन्स्टेंट फोर्स एज ए यूनिट क्या दे रखा है 5 यूनिट दे रखा है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का जैसे ही साइन हटूंगा तो यहाँ पर आपके पास लिखूंगा 5 यूनिट। क्लियर समझ आ चुका है यहाँ पर। ओके, अब देखिए इस तरह से आपके पास जो इक्वेशन है वो रेडी हो चुकी है, एक्स इज इक्वल टू आपके पास क्या हो चुकी है रेडी 5 5 हो चुकी है। क्लियर समझ आ चुका है। ओके, अब देखिए यहाँ पे बात करें तो आपके पास क्या दे रखा है जरा उसके अंदर क्वेश्चन के अंदर और देखें तो लिखा है यहाँ पर वर्क डन व्हेन द, यस क्या लिखा है यहाँ पर व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज, मतलब आपके पास जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है आपके पास जो बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो कितना है जरा उसको देखें तो वो आपके पास 2 यूनिट है और क्या है 0 यूनिट है। क्लियर। तो जब आपके पास डिस्टेंस आपके पास क्या है 2 यूनिट है, डिस्टेंस आपके पास क्या है बेसिकली बात करें y है आपके पास, y जब 2 यूनिट है तो आपके पास वर्क डन कितना आ रहा है बेसिकली बात करें x की पोजीशंस के अंदर तो उसको जरा निकाले तो x इज इक्वल टू यहाँ बात करूं तो 5 y है, 5 की जगह रख रहा हूँ यहाँ पे 2, यस y की जगह 2 रख रहा हूँ तो यहाँ पर रिजल्ट क्या रहा है 10 आ रहा है, यस रिजल्ट क्या रहा है 10 आ रहा है। नेक्स्ट बात करूं आपके पास क्या है यहाँ पर 0 यूनिट है तो यहाँ पर x इज इक्वल टू, यस यहाँ पर रखूँ 5 into 0 तो आपके पास बेसिकली क्या रहा है 0 आ रहा है। क्लियर हो गया यहाँ पर। तो इस केसेस के अंदर हमारे पास 2 पॉइंट निकल के आए, कौन कौन से निकल के आए जरा यहाँ पर देखें तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर तो आपके पास देखिए फर्स्ट A1 पॉइंट की बात करूं यहाँ पर तो देखिए x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही है 10 है, x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 10 है और उस केसेस के अंदर बात करूं y की वैल्यू आपके पास कितनी दे रखी है 2 दे रखी है, y की वैल्यू आपके पास क्या दे रखी है 2 दे रखी है। सेकंड A2 कंडीशंस की बात करें तो A2 कंडीशंस के अंदर बात करूं यहाँ पर तो देखिए आपके पास बात करूंगा x की वैल्यू, यस x की वैल्यू आपके पास कितनी है बेसिकली बात करें यहाँ पर 0 है x की वैल्यू एंड देन y की वैल्यू की बात करूं यहाँ पर तो आपके पास वो भी कितनी है आपके पास बेसिकली 0 है तो ये हो गए 0। क्लियर समझ में आ चुका है यहाँ पर। तो इस तरह से आप अपने रिजल्ट को निकाल सकते हैं। अब चलिए ग्राफ के ऊपर, ग्राफ बनाते हैं यहाँ पर तो देखिए एक तरफ मैं वर्क डन बाय द बॉडी लूंगा और दूसरी तरफ मैं बात करूँ यहाँ पर तो आपके पास डिस्टेंस लूंगा। क्लियर। तो देखिए हमने क्या करा है यहाँ पर बात करें तो हमने जिस तरह से माना है हम उसी तरह से लेंगे यहाँ पर। ओके, तो ये मैंने बना दिया है ग्राफ। ओके, अब इसके अंदर सारी जो नोटेशन है उनको फिलफिल करते हैं यहाँ पर तो आपके पास देखिए ये 0 हो गया है, उसके बाद बात करें यहाँ पर 1। ओके, अच्छा देखिए यहाँ पर बात करूँ तो आपके पास देखिए x एक्सिस के अंदर कितना है, यस x एक्सिस के अंदर 10 है उसके बाद 0 है तो आप एक काम कर सकते हैं इसकी यूनिट को चेंज कर सकते हैं। देखिए यूनिट को कैसे चेंज कर सकते हैं जरा उसको देखें तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखूंगा 5, उसके बाद लिखूंगा 10, यस उसके बाद क्या लिखूंगा 10 लिखूंगा, उसके बाद लिखूंगा 15, उसके बाद लिखूंगा 20। क्लियर। ओके, और y के अंदर बात करूं तो देखिए y के अंदर क्या चल रहा है जरा उसको देखें तो यहाँ पर लग रहा है 2 and 0 चल रहा है, 2 and क्या चल रहा है 0 चल रहा है। तो बेसिकली बात करें यहाँ पर तो सबसे पहले देखिए आप यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं, जस्ट लाइक मैं बात करूँ आपके पास यहाँ पर 1 मान लीजिए, उसके बाद मान लीजिए 2 and उसके बाद मान लीजिए 3। क्लियर। इस तरह बात करें तो आपके पास क्या माइनस का 5 आएगा, इसके बाद माइनस का 10 आ जाएगा। इधर बात करें यहाँ पर तो आपके पास माइनस का 1 देन माइनस का 2 आ जाएगा। क्लियर। यहाँ पर बात करें आपके पास क्या हो गया x एक्सिस हो गया यहाँ पर, इस तरह बात करें आपके पास क्या हो गया बेसिकली बात करें y एक्सिस हो गया, यहाँ आपके पास x डैश एक्सिस हो गया यहाँ पर, यहाँ बात करें तो y डैश एक्सिस हो गया यहाँ पर।
क्लियर। बेसिकली बात करें तो हमने यूनिट चेंज की है, तो स्केलिंग भी लिखना पड़ेगा यहाँ पर, बेसिकली स्केल लिखना पड़ेगा। तो स्केल की बात करें तो देखिए, बात करूंगा यहाँ पर वन यूनिट इज इक्वल टू, यस वन यूनिट इज इक्वल टू क्या लिखूंगा यहाँ पर, 5 सेंटीमीटर लिखूंगा। और किसके अंदर चेंज किए जरा यहाँ पर बात करें तो आपने की है एक्स एक्सिस के अंदर चेंज, किसके अंदर चेंज किए, एक्स एक्सिस के अंदर चेंज किए। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर तो आपने क्या क्या है, वन यूनिट इज इक्वल टू कितना लिखा है आपने, 1 सेंटीमीटर लिखा है। और ये किसके अंदर किया है, बेसिकली बात करें वाई एक्सिस के अंदर आपने किया, यस आपने क्या क्या है वाई एक्सिस के अंदर इसको चेंजेस किया। ओके अब पॉइंट को पुट करते हैं, तो देखिए सबसे पहले आपके पास रखूंगा यहाँ पर 10.2, एक्स के अंदर 10 है, वाई के अंदर कितना है 2 है। तो देखिए बात करें एक्स के अंदर 10, वाई के अंदर 2, तो ये रहा आपके पास ये कहीं यहाँ पर पॉइंट, क्लियर, ये आपके पास क्या है पॉइंट है, क्लियर। नेक्स्ट चले यहाँ पर, तो देखिए नेक्स्ट की बात करूं तो क्या है यहाँ पर 0.0 पॉइंट है, यस 0.0 पॉइंट है। तो देखिए यहाँ पर कहीं रख देता हूँ 0.0 पॉइंट, ये मैंने रख दिया 0.0 पॉइंट, क्लियर। इन दोनों से ज्वाइन करते हुए मुझे एक लाइन को ड्रॉ करना है, तो ये देखिए मैंने इन दोनों से ज्वाइन करते हुए एक लाइन को लिख दिया, क्लियर। ओके अब इसके जो बाकी की फॉर्मेलिटीज है वो पूरी कर देते हैं। तो ये आपके पास मान लीजिए ये आपके पास A1 पॉइंट है, 0.0 है इसका, मान लेते हैं यहाँ पर A2 पॉइंट है जो कि आपके पास का दिखा रहा है 10.2 को दिखा रहा है। इक्वेशन की बात करूं तो y इज इक्वल टू बात करें तो आपके पास कितना है, बेसिकली बात करें यस x इज इक्वल टू कितना है 5y है, x इज इक्वल टू कितना है 5y है, यस x इज इक्वल टू 5y की जो इक्वेशन है वो आपके पास है, क्लियर। समझ में आ चुका है यहाँ पर, इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को दे सकते, क्लियर। चले हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर, तो देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो हमसे क्या कह रहा है जरा डिस्कस करें। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, लिखा है यहाँ पर यामिनी एंड फातिमा, यस यामिनी और फातिमा आपके पास दो फ्रेंड्स है, वो आपके पास क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, यामिनी एंड फातिमा द टू स्टूडेंट्स आर द क्लास 9th ऑफ द स्कूल, यस एंड टुगेदर कंट्रीब्यूट, यस यहाँ पे दोनों क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं दोनों मिला के, यस 100 रुपीज टूवर्ड द प्राइम मिनिस्टर्स रेफेल फंड टू द हेल्प ऑफ द अर्थक्विक। तो यहाँ पर 100 रुपीज आपके पास कलेक्शन चल रहा है आपके पास अर्थक्विक के लिए, यस अर्थक्विक हुआ था उसके यहाँ पर डोनेशन या चैरिटीज के लिए चल रहा है, क्लियर। ओके बात करें यहाँ पर, राइट द लीनियर इक्वेशन विच इज द सेटिस्फाई दिस डाटा, यस हमें यहाँ पर सेटिस्फाई डाटा लेना है यहाँ पर। ओके तो देखिए यहाँ पे लिखा है यू मे बी टेकन देयर द कंट्रीब्यूट एज ए रुपीज इन द एक्स एंड वाई, ड्रॉ द ग्राफिकली एंड द सीन। तो देखिए यहाँ पर बात करें तो फातिमा के जो रुपीज है वो आपके पास कितने हैं, एक्स है, और यहाँ पर बात करें तो आपके पास दूसरे जो यहाँ पर रुपीज है, यस बात करूं यहाँ पर तो आपके पास यहाँ पर बात करें यामिनी की जो रुपीज एक्स है और फातिमा की आपके पास वाई है, ड्रॉ द ग्राफिकली एंड द सीन। तो हमें यहाँ पर ग्राफिकली भी बताना है, तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, ग्राफिकली भी बताना है, क्लियर समझ आ चुका है यहाँ पर। तो बेसिकली बात करें तो आपके पास जो यामिनी जो पैसे इकट्ठे किए हैं, यस बात करूंगा यहाँ पर किसके बारे में बात करें, यहाँ पर यामिनी के बारे में बात करें तो यामिनी ने आपके पास एक्स रुपीज यहाँ पर कलेक्ट किए हैं, और उसके साथ साथ बात करें यहाँ पर फातिमा के बारे में, तो देखिए बात करूंगा यहाँ पर फातिमा के बारे में, यस किसके बारे में बात करें, फातिमा के बारे में, तो उन्होंने वाई रुपीज इकट्ठे किए, क्लियर। तो दोनों ने एक्स एंड वाई रुपीज इकट्ठे कर लिए। अब देखिए बात करें यहाँ पर तो उन्होंने टोटल जो अमाउंट दिया है वो कितना रुपीज दिया है, 100 रुपीज दिए। तो देखिए आपके पास बात करूं तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आपके पास बेसिकली 100 है, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है 100 है, ये आपके पास मिल चुका है, क्लियर। अब आपको क्या करना है, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, किस तरह से कर सकते हैं जरा उसको देखिए यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर किस तरह से किया जा सकता है, तो एक काम करते हैं, देखिए यहाँ पर मुझे 3 पॉइंट चाहिए, यस यहाँ पर मुझे 3 पॉइंट चाहिए, या फिर आप 2 पॉइंट ले सकते हैं जो आपकी इच्छा है। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूं x इज इक्वल टू रखता हूँ 50 एंड y इज इक्वल टू भी रखता हूँ 50, यस x इज इक्वल टू क्या रखा 50 रखा, y इज इक्वल टू 50 रखा, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 50 प्लस 50 इज इक्वल टू 100, क्लियर। नेक्स्ट बात देखिए यहाँ पर, नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ यहाँ पर, तो देखिए x इज इक्वल टू रख लेता हूँ 40 देन y इज इक्वल टू रख लेता हूँ 60, यस y इज इक्वल टू क्या रखा मैंने 60 रखा, 50 प्लस 60 इज इक्वल 40 प्लस 60 इज इक्वल टू क्या हो रहा है 100 हो रहा है, क्लियर। थर्ड केसेस के अंदर बात करें यहाँ पर, यस थर्ड केसेस के अंदर बात करूँ तो देखिए x इज इक्वल टू रख रहा हूँ बेसिकली बात करें यहाँ पर 30 एंड 30 रखते हैं, छोड़िए यहाँ पर 30 नहीं रखते, ओके यहाँ पर रख देते हैं, इस बार रख देते हैं 60, यस यहाँ पे मैंने 60 किया तो y इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा 40 हो जाएगा, क्लियर। तो इस तरह से मेरे पास 3 पॉइंट आ चुके हैं, इन तीनों पॉइंट को पॉइंट्स के रूप में लिखें। तो मैं बात करूंगा यहाँ पर A1 के बारे में, तो A1 आपके पास कितना है 50.50 है, यस 50, क्या है 50 है। A2 की बात करूँ यहाँ पर तो आपके पास A2 के कंडीशंस के अंदर आपके पास क्या है 40, क्या है आपके पास 60 है, यस और A3 के कंडीशंस के बारे में बात करें तो आपके पास बेसिकली कितना है 60, क्या आपके पास 40 है, क्लियर। ये आपके पास सारे पॉइंट आ चुके हैं, अब हमें इनको प्लॉट करना है, ग्राफ बनाना है, देखिए किस तरह से बना सकते हैं। तो मैं ग्राफ के ऊपर ले चलता हूँ आपको यहाँ पर, और ग्राफ बनाते हैं हम इसका, तो ग्राफ बना रहे हैं, क्लियर। तो देखिए ग्राफ बना रहा हूँ सबसे पहले, तो ये हमारे पास क्या हो गई वाई एक्सेस हो गई है, और ये हमारे पास क्या हो गया बेसिकली बात करें x एक्सिस हो चुकी है, क्लियर।
अब इसके अंदर सारी जो पॉइंट है वो नोटिस कर देते हैं यहाँ पर, तो ये हो गया जीरो। अब देखिए यहाँ पर देखिए फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर जो ग्राफ का जो स्केल है वो चेंज करने जा रहा हूँ, क्लियर। रीजन क्या है यहाँ पर, यदि मैं 1 2 3 4 5 6 लिखूंगा तो मेरी जो स्केल है वो ग्राफ से बाहर चली जाएगी, यस मेरी जो स्केल है वो ग्राफ से बाहर चली जाएगी, तो मुझे ग्राफ के अंदर लाना पड़ेगा। तो बेसिकली अगर हूँ यहाँ पर 50 और 60 चल रहा है, 40 चल रहा है, तो यहाँ पर जो आपके पास यहाँ पर जो यूनिट्स है वो चेंज करने वाला हूँ। किस तरह से कर रहा हूँ जरा यहाँ पर देखें, तो देखिए सबसे पहले मैं ले रहा हूँ 10, यस क्या ले रहा हूँ 10, उसके बाद 20, उसके बाद आपके पास 30, देन आपके पास हो गया 40, देन आपके पास बात करूँ 50, देन आपके पास हो गया 60, देन आपके पास हो गया 70, क्लियर। ओके इस तरह बात करें तो यहाँ पे भी चेंज कर रहे हैं, देखिए क्या कर रहे हैं यहाँ पे बेसिकली 10, 20, देन 30, देन 40 एंड 50 एंड आपके पास हो गया 60, क्लियर। नीचे की तरफ भी चेंज होगा, यहाँ पर बात करूंगा यहाँ पर माइनस का 10, माइनस का 20 एंड माइनस का 30, इस तरह बात करें माइनस के 10 एंड माइनस का 20, ओके। यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, यहाँ पर एक्स एक्सिस लिख रहे हैं बेसिकली, और यहाँ पर आप बात करेंगे वाई एक्सिस के बारे में, यस यहाँ पे आप करूंगा तो एक्स डैश एक्सिस के बारे में, यस इस तरह बात करेंगे तो वाई एक्सिस के बारे में, क्लियर। ओके अब बात करेंगे स्केल के बारे में, यस यहाँ बात करूंगा स्केल के बारे में, तो स्केल के अंदर बात करूँ तो आपके पास क्या होगा, वन यूनिट इज इक्वल टू, यस वन यूनिट इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे बेसिकली बात करें, तो आपने क्या लिया है इस बार गैप 10-10 का लिया है, तो बेसिकली बात करें 10 सेंटीमीटर हो गया है, किसके अंदर हो गया है एक्स एक्सिस के अंदर, यस बात करें यहाँ पर तो आप क्या लिखेंगे, वन यूनिट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे वाई एक्सिस के अंदर, यस वाई एक्सिस के अंदर आप यह चेंजेस करें, क्लियर। आपने अपनी यूनिट्स भी डिफाइन कर ली। अब चले क्वेश्चन के ऊपर, देखिए यहाँ पर बात करूँ तो आपने क्या क्या निकाला है, पॉइंट पहले देखें 50, 50, यस A1 निकाला है 50, 50, अच्छा देखिए 50 ये रहा आपके पास इस तरफ और 50 ये रहा आपके पास, तो ये कहीं यहाँ कहीं आपके पास पॉइंट आएगा, यस यहाँ कहीं आपके पास पॉइंट मिलने का भेजेगा, क्लियर। ओके एग्जैक्टली देख लेना आप यहाँ पर ग्राफ में। नेक्स्ट बात करूँ तो 40, 60 है, एक्स के अंदर 40 है और वाई के अंदर कितना है 60 है, एक्स के अंदर 40 वाई के अंदर 60, तो ये यहाँ कहीं पॉइंट है आपके पास, और इसके बाद बात करें नेक्स्ट पॉइंट आपके पास बारे में तो क्या है 60, 40 है, तो 60, 40 की बात करूँ तो 60, 40 आपके पास यहाँ कहीं आपके पास पॉइंट है, क्लियर। तो ये जो पॉइंट है आपके पास थोड़ा सा सेंटर पॉइंट में होगा इन तीनों के, क्लियर। इन तीनों से निकलने वाली जो लाइन है उसको ड्रॉ करता हूँ मैं यहाँ पर, तो ये कुछ इस तरह से आने वाली है, क्लियर। ओके तो ये यहाँ पे हो गई, क्लियर। इसकी बात करें तो पॉइंट A1 हो गया, जिसकी बात करूँ यहाँ पर तो रिजल्ट क्या लिखेंगे यहाँ पर 40, 60। नेक्स्ट बात करूँ यहाँ पर A2 के बारे में, जिसके वैल्यू लिखे हैं हमने 50, 50, यस। नेक्स्ट बात करूँ आपके पास A3 के बारे में, इसके हमने क्या लिखा है यहाँ पर 60, 40 कर दिया, क्लियर। अच्छा बात करें यहाँ पर इक्वेशंस के बारे में, इक्वेशन आपके पास क्या है बेसिकली बात करें तो इक्वेशन के फॉर्मेट में बात करूँ तो x प्लस वाई इज इक्वल टू बात करें तो आपके पास कितना हो गया 100 हो गया, क्लियर। अच्छा A1 A2 A3 चेंज कर चुके हैं ना अपन, तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, क्लियर। तो ये आपके पास हो गया, इसको हमने A1 नहीं माना, इसको हमने माना है, इसको हमने मान लिया है यहाँ पर A1, यस 40, 60 को माना हमने, यस 40, 60। तो ये आपके पास A1 हो गया, ये आपके पास A2 हो गया, देन ये आपके पास A2 हो गया है यहाँ पर, और ये आपके पास क्या हो गया A3 हो गया, क्लियर। सिंपल है क्वेश्चन, इस तरह से आप अपने रिजल्ट को निकाल सकते। चले हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन ऊपर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा डिस्कस करें। तो देखिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चले, तो अगला क्वेश्चन आपके पास ही रहा, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या लेकर रहा है यहाँ पर, इन द कंट्री लाइक USA एंड कैनेडा द टेम्परेचर इज द मेजर इन द फारेनहाइट, वेयर द कंट्री लाइक द इंडिया, यस वेयर द कंट्री लाइक इन द इंडिया इज द मेजर इन द सेल्सियस। तो देखिए यहाँ पे बात करें तो बोला जा रहा है यहाँ पर USA, यस USA और कनाडा जो आपके पास जो टेम्परेचर मेजरमेंट किया जाता है वो बेसिकली किस में किया जाता है, फारेनहाइट में किया जाता है बेसिकली। ओके एंड बात करें यहाँ पर किसकी बात करें, इंडिया के अंदर बात करें तो इंडिया के अंदर आपके पास किस में किया जा रहा है बेसिकली, सेल्सियस के अंदर किया जा रहा है, क्लियर। ओके हेयर द लीनियर इक्वेशन दैन दी कन्वर्ट टू द फारेनहाइट टू द सेल्सियस, तो यहाँ पर आपके पास एक इक्वेशन दे रखी है जो आपके पास क्या करती है फारेनहाइट से आपके पास सेल्सियस में कन्वर्ट करती है, क्लियर। ये आपके पास ट्रू इक्वेशन है, इस इक्वेशन को आपके पास साइंस जब आप पढ़ेंगे तब भी आपके लिए बहुत ज्यादा यूज होने वाली है, क्लियर। और देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबाउट द यूजिंग द सेल्सियस एंड सेल्सियस फॉर द एक्स एक्सिस, यस सेल्सियस को कहाँ लेना है अपने पास एक्स एक्सिस में लेना है और फारेनहाइट को आपको क्या लेना है वाई एक्सिस में लेते हुए इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, क्लियर समझ में आ चुका है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर बात करें तो इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले मैं बात करूँ यहाँ पर तो हमें इसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी, इसके हमें सॉल्यूशन पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, जिसके सॉल्यूशन पॉइंट को निकाले यहाँ पर तो मैं सॉल्यूशन पॉइंट को निकाल रहा हूँ जरा यहाँ पर देखिए। तो देखिए सॉल्यूशन पॉइंट को निकालते हैं तो देखिए फारेनहाइट इज इक्वल टू, यस मैं बात करूँ आपके पास फारेनहाइट इज इक्वल टू क्या रहा है 9/5 C + 32, 9/C C + 32, क्लियर।
तो यहाँ पर इक्वेशन क्या दे रखी है, जरा यहाँ पर देखें, तो फेरनहाइट इज इक्वल टू आपके पास क्या दे रखा है, 9 बाय यस यहाँ पर बात करें 9 बाय 3, देखिए क्या दे रखा है, जरा इसको देखें, तो आपके पास दे रखा है 9 बाय 5 सी प्लस 32, 9 बाय 5 यस सी प्लस आपके पास क्या दे रखा है 32 दे रखा है, क्लियर। अब हमें इसके सॉल्यूशंस पॉइंट को निकालना है, कैसे निकाल सकते हैं जरा उसको डिस्कस करें। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर, तो आप यहाँ पर कुछ ऐसी वैल्यू को पुट करें जिसकी वजह से यहाँ पर जो इसका रिजल्ट है वो आपके पास मिल जाए। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगी यहाँ पर, तो आपके पास देखिए सबसे छोटा से छोटा पॉइंट में लेने वाला हूँ, यस सबसे छोटे से छोटा पॉइंट लेने वाला हूँ। तो देखिए सबसे छोटा पॉइंट क्या लेने वाला हूँ जरा उसको देखिएगा, तो देखिए मैं यहाँ पे कह रहा हूँ सी की जो वैल्यू है, यस सी की जो वैल्यू है वो ले रहा हूँ 5/9, यस सी की वैल्यू क्या ले रहा हूँ 5/9 ले रहा हूँ। देखिए सी की वैल्यू 5/9 यहाँ पर पुट करेंगे, तो सी की वैल्यू 5/9 से पुट करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल आउट, 9 से 9 कैंसिल आउट। देन यहाँ पर बात करूँ फेरनहाइट की वैल्यू, यस फेरनहाइट की वैल्यू की बात करूँ यहाँ पर, तो देखिए फेरनहाइट की जो वैल्यू है वो मैं ले रहा हूँ यहाँ पर बेसिकली बात करें 33, क्या ले रहा हूँ यहाँ पर 33 ले रहा हूँ। देखिए कैसे ले रहा हूँ यहाँ पर 33 यहाँ पर आएगा, ओके यहाँ पर रख रहा हूँ, यहाँ पर रख रहा हूँ 5/9, तो देखिए 5/9 से यहाँ पे कटेगा तो यहाँ पर आपके पास 1 आएगा, 1 + 32 इज इक्वल टू कितना हो गया बेसिकली बात करें 33 हो चुका है, तो आपके पास फर्स्ट पॉइंट आ चुका है। इसी तरह मुझे सेकंड पॉइंट मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि देखिए मैंने आपको बोला है मिनिमम हमें कितने पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है, 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो 2 पॉइंट्स हमें मिल जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो देखिए फर्स्ट बात करूँ सी इज इक्वल टू आपने कहा है 5/9, यस और आपके पास बात करूँ यहाँ पर, तो आपके पास बेसिकली बात करें तो आपके पास फेरनहाइट की वैल्यू कितनी हो चुकी है 32 आ चुकी है, क्लियर। ओके नेक्स्ट बात करें यहाँ पर, अच्छा देखिए यहाँ पर इसको जरा सॉल्व करेंगे तो आपके लिए यहाँ पर क्या होगा प्रॉब्लम्स आ जाएगी, तो एक काम कर सकते हैं आप यहाँ पर, एक काम कीजिए इसको थोड़ा सा इजी बना देते हैं, क्लियर थोड़ा सा इजी बनाते हैं यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूँ यहाँ पर C इज इक्वल टू की वैल्यू आप यहाँ पर बेसिकली 5 रख दीजिए, सी की वैल्यू क्या रखेंगे 5 रखेंगे, तो देखिए 5 से 5 कैंसिल आउट, यहाँ हो जाएगा 9, 9 + 32 की बात करूँ यहाँ पर, तो आपके पास जो रिजल्ट होगा वो कितना हो जाएगा बेसिकली बात करें, तो आपके पास रिजल्ट हो जाएगा फेरनहाइट का यस 42, यस सी की बात करूँ यहाँ पर, तो एफ की बात करूँ तो आपके पास कितना हो गया बेसिकली बात करें 42 हो गया, यस कितना हो गया बेसिकली 42 हो गया, सॉरी 41 हो गया, क्लियर कितना हो गया बेसिकली बात करें 41 हो गया। देखिए कैसे होगा 5 से 5 कैंसिल आउट, 5 से 5 कैंसिल आउट, 9 + आपके पास बात करूँ यहाँ पर 32, तो 9 + 22 की बात करें यहाँ पर, तो 1 यहाँ पर कैरी आपके ऊपर लग गया, तो 3 + 1 हो गया 4, क्लियर। अब देखिए बात करूँ यहाँ पर सी की वैल्यू की, तो देखिए सी की वैल्यू को चेंज करते हैं, सी की वैल्यू को चेंज करते हैं यहाँ पर, और देखिए सी की वैल्यू को रखता हूँ बेसिकली बात करें यहाँ पर, तो रखता हूँ 10, यस सी की वैल्यू को क्या रखा यहाँ पर 10 रखा, सी की वैल्यू को 10 रखा, देन यहाँ पर देखिए आपके पास 5 से 5 2 जगह कैंसिल हो गया 2, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 18, कितना आएगा बेसिकली बात करें 18 आएगा, तो 18 + बात करूँ यहाँ पर, तो फेरनहाइट की बात करें यहाँ पर, तो 18 + 32, यस 8 और 2 आपके पास हो गया बेसिकली बात करें यहाँ पर 10, 10 का 0 कैरी लग चुका है आपके 1, 3 और 1 हो गया 4, 4 और 1 हो गया 5, तो बेसिकली बात करें कितना हो गया आपके पास 50 हो चुका है, तो इस तरह से आपका जो रिजल्ट है वो आ गया, क्लियर। अब चलिए यहाँ पर सॉल्यूशन के ऊपर, तो आपके पास 2 पॉइंट आ गए, बहुत है आपके पास इनफ पॉइंट है, एक और निकाल सकते हैं आप यहाँ पर, तो एक और निकाल लेते हैं, यदि आपको यहाँ पर रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं बेसिकली बात करें, तो आप यहाँ पर थर्ड पॉइंट की बात करूँ तो आप यहाँ पर कितना पॉइंट ले सकते हैं यहाँ पर बेसिकली बात करें, तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ सी इज इक्वल टू, इस बार थोड़ा सा चेंज करते हैं, माइनस का 5 लेते हैं, क्लियर इस बार थोड़ा सा डेरिंग करते हैं, माइनस का 5 लेते हैं और माइनस के 5 से रिजल्ट निकालते हैं। देखिए माइनस का 5 करूंगा यहाँ पर, तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, माइनस के 9 हो गया यहाँ पर, बेसिकली कितना हो गया माइनस के 9 हो गया, 32 - 9 करेंगे यहाँ पर, यस कितना करेंगे 32 - 9 करेंगे, तो देखिए कितना रिजल्ट आ रहा है 12 - 9 की आपके पास कितना आ गया बेसिकली बात करें, तो आपके पास 12 - 9 करेंगे भाई, यस 12 - 9 करेंगे तो आपके पास कितना आएगा बेसिकली 3 आएगा रिजल्ट, यस कितना आगे पास आएगा 3 आ चुका है यहाँ पर, ओके यहाँ पर हो गया 2, तो यहाँ पर बेसिकली बात करें 20 कितना आगे भेजा 23 हो चुका है, 23 + आपके पास यहाँ पर आप यहाँ पर 9 करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट है वो कितना हो जाएगा बेसिकली बात करें 32 हो जाएगा, क्लियर। तो इस तरह से आपके पास तीनों पॉइंट हो गए। अब चलते हैं यहाँ पर इसके सॉल्यूशन के ऊपर, क्लियर। तो मैं यहाँ पर ग्राफ बनाने जा रहा हूँ, तो ये मैंने बना लिया है इस एक्सिस के ऊपर, थोड़ा सा इसको सही कर देते हैं, ओके और ये मैंने बना लिया इस तरह, क्लियर ओके। अब हमें कौन सी किस एक्सिस पे रखना है जरा उसको भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है एक्स एक्सिस के अंदर आपको क्या करना है सेल्सियस को रखना है, मतलब सी को रखना है, और फेरनहाइट मतलब एफ को कितना रखना है वाई एक्सिस के अंदर रखना है, यस तो मैं बात करूँ फेरनहाइट को किधर रखना है आपके पास वाई एक्सिस के अंदर रखना है, तो मैं थोड़ा सा इसको चेंज करूंगा, यस फेरनहाइट के अंदर वाई एक्सिस को रखना है तो इसके लिए थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ओके और मैं यहाँ पे रखूंगा, क्लियर ओके। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर आपके पास क्या है एफ है, और यहाँ पर एक्स एक्सिस के अंदर क्या है सी है, यस एक्सिस के अंदर क्या है आपके पास सी है, क्लियर ओके। तो देखिए यहाँ आते हैं क्या लिखा हुआ यहाँ पर, सी इज द सेल्सियस ऑफ द एक्स एक्सिस एंड फेरनहाइट ऑफ द वाई एक्सिस, तो मैंने वही रखा है, ओके okay? अब देखिए आपके पास यहाँ पर नंबरिंग कर देते हैं, तो ये हो गया 0, ओके okay. देखिए सेल्सियस के अंदर बात करें तो आपके पास 5 10 5 चल रहा है, क्लियर
तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 5 के टेबल लिखने वाला हूँ बेसिकली। तो देखिए आपके पास हो गया 5, उसके बाद हो गया आपके पास 10, उसके बाद आपके पास हो गया 15, क्लियर, उसके बाद हो गया 20। इस तरफ चलेंगे तो आपके पास क्या आएगा, माइनस का 5 होगा और यहाँ बात करूंगा माइनस का 10 हो जाएगा। रिजल्ट लिखेंगे यहाँ पर तो आपके पास क्या लिखेंगे, एक्स एक्सिस लिखेंगे ये आपने, और यहाँ भी बात करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, एक्स डैश एक्सिस हो जाएगा, क्लियर। ओके, अब यहाँ पर चलें तो आपके पास देखिए रिजल्ट क्या चला है, 20, 50, 40 चल रहा है, 10, 10 का गैप ले लें, तो बस वही करने वाला हूँ यहाँ पर। तो देखिए आपके पास करेगा 10, ओके, और 10 के बाद आपके पास आ जाएगा बेसिकली बात करें 20, उसके बाद बात करूँ आपके पास 30, देन आपके पास हो जाएगा 40, देन आपके पास हो जाएगा 50, क्लियर। और आगे चलना चाहें आप आगे लिख सकते हैं, क्लियर। नीचे की तरफ बात करूँ तो आपके पास कितना आ जाएगा बेसिकली बात करें, माइनस का 10 आ जाएगा। यहाँ बात करें तो आपके पास कहेगा वाई एक्सेस हो जाएगा यहाँ पर, और इसकी बात करें तो आपके पास कहेगा वाई डैश एक्सेस हो जाएगा। ओके ओके, चले अभी यहाँ पर रिजल्ट देखें यहाँ पर, तो सबसे पहले सी की वैल्यू कितनी है, 5, देन आपके पास क्या हो रहा है, 41, मतलब 5, 41 हो रहा है, यस 41 मतलब 40 से जस्ट ऊपर, देखिए 5 यहाँ रहा, 41 यहाँ रहा, मतलब यहाँ कहीं पॉइंट है आपके पास, यस ओके। नेक्स्ट बात करूँ 10, 50, एक्स के अंदर 10 है फिर उसके बाद 50 है, तो 10, 50 आपके पास बात करूँ तो यहाँ कहीं आपके पास ये रहा पॉइंट, क्लियर। अच्छा ये 50 थोड़ा सा नीचे बना दिया, 30 हो गया यहाँ पर, ओके। उसके बाद बात करें आपके पास ये 40 हो गया है और ये आपके पास 50 हो गया, क्लियर, थोड़ा गैप भी मेंटेन करें। ओके, अब बात करें यहाँ पर माइनस के 5, 23, यस 20 आ रहा, 23 जस्ट इसके थोड़ा सा ऊपर आएगा, माइनस का 5 यहाँ कहीं रहेगा, क्लियर। तो इस तरह से आपके पास तीनों पॉइंट मिल चुके हैं। अब इन तीनों पॉइंट से मिलने वाले आपके पास यहाँ मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा यहाँ पर कुछ इस तरह से, ओके। तो ये मैंने यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ कर दिया है यहाँ पर, ओके। इसको थोड़ा सा यहाँ पर एडजस्टमेंट करते हैं तो ये यहाँ कहीं आएगा, क्लियर। तो इस तरह से आपके पास तीनों पॉइंट आ गए, ओके। अब देखिए यहाँ बात करूँ तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मान रहा हूँ A1 पॉइंट, उसके बाद मान रहा हूँ आपके पास नेक्स्ट वाला पॉइंट को मान रहा हूँ बेसिकली 5, 41 को मान रहा हूँ A2 पॉइंट, और यहाँ मान रहे हैं A3 पॉइंट, क्लियर। तो ये आपके पास क्या हो गया, A1 पॉइंट हो गया, यहाँ पर बात करें ये A2 हो गया है, यह आपके पास क्या हो गया, A3 हो गया। इक्वेशन की बात करें क्या है आपके पास, एफ इज इक्वल टू यस 9/5 इंटू सेल्सियस प्लस आपके पास कितना है, 32 है, क्लियर। ये आपके पास इक्वेशन भी हो गया, ओके। तो इस तरह से आपका जो ग्राफ है वो रेडी हो चुका है, लेकिन यहाँ पर एक मिस्टेक्स है, ये कोऑर्डिनेट्स भी लिखने पड़ेंगे, तो लिख लेते हैं इसको यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो माइनस के 5 कॉमा कितना आ रहा है बेसिकली बात करें, 23 हो रहा है। इसके लिए बात करूँ यहाँ पर, यस माइनस के 5 कॉमा कितना है, 23। इसके लिए बात करूँ यहाँ पर तो आपके पास कितना है, 5 कॉमा, यस देखिए आपके पास 5 कॉमा कितना है, 41 है, तो 5 कॉमा हो गया 41। नेक्स्ट बात करूँ इसके लिए तो आपके पास कितना है, 10 कॉमा, यस 10 कॉमा आपके पास कितना है, 50 है, क्लियर। तो इस तरह से अपने रिजल्ट को देख सकते हैं। अब देखिए इसके जो ऑप्शन में जो क्वेश्चन दे रखे हैं उसको जरा देखें, तो ऑप्शन के गवर्नमेंट क्या देखा है, इफ द टेम्परेचर इज इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर इन द फारेनहाइट, तो फारेनहाइट का टेम्परेचर क्या होगा वो हमें बताना है। तो देखिए आपके पास जो सेल्सियस की बात करूँ, सेल्सियस आपके पास कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है, सेल्सियस कितना देगा, 30 डिग्री दे रखा है। तो देखिए आपके पास जो फारेनहाइट का जो फॉर्मूला है वो कितना है बेसिकली बात करें, तो वो है 9/5 इंटू सी प्लस आपके पास कितना है यहाँ पर, 32 है। जस्ट देखिए यहाँ पर बात करें तो आपके पास क्या है, 9/5 सी प्लस 32 है, यस फारेनहाइट का फॉर्मूला, यस तो वो हमने लिख दिया। C की वैल्यू कितनी देखिए, 30 पुट कर दीजिए आप यहाँ पर, देखिए F इज इक्वल टू 9/5 इंटू बात करें यहाँ पर 30 डिग्री प्लस बात करूँ आपके पास क्या है, 32 डिग्री, क्लियर ओके। अब इसको सबको सॉल्व करें यहाँ पर, देखिए 5 × 5 हो चुका है, यस 5×6 आपके पास कितना हो गया बेसिकली बात करें, 30 हो चुका है, ओके। इधर कितना होगा बेसिकली बात करें तो यहाँ पे हो गया 54 32, क्लियर। रिजल्ट की बात करूँ 4, 5, 6, यस। और बात करें 5/3 कितना हो गया बेसिकली बात करें, 5/3 हो गया आपके पास 8, क्लियर समझ आ चुका है, ये आपके पास फारेनहाइट में आ चुका है, क्लियर। इस तरह से आप अपने रिजल्ट को निकाल सकते हैं। चलो हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर देखिए, इसका जो ऑप्शन वाला दूसरा क्वेश्चन है जरा उसको देखें, तो इसका दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है जरा यहाँ पर देखें, इफ द टेम्परेचर इन द 95 डिग्री फारेनहाइट देन द टेम्परेचर इन द सेल्सियस, तो सेल्सियस के अंदर टेम्परेचर क्या होगा जरा उसको भी बता देना है, क्लियर। तो देखिए बात करूँ यहाँ पर, तो फारेनहाइट डिग्री की यहाँ पर बात करें, फारेनहाइट के अंदर दे रखा है 95 डिग्री, यस देन हमें यहाँ पर सेल्सियस के अंदर पूछा है। तो फॉर्मूले की बात करूँ तो फॉर्मूला क्या है बेसिकली बात करें, वो आपके पास है 9/5, यस 9/5 सी प्लस आपके पास कितना है बेसिकली बात करें, तो आपके पास 32 डिग्री है, क्लियर। ये आपके पास फॉर्मूला है। अब देखिए यहाँ बात करें फारेनहाइट की वैल्यू कितनी रखी है बेसिकली बात करें, 95 हो रखा है। यहाँ बात करूँ तो आपके पास क्या है, 9/3 सी प्लस 32 है, सी प्लस आपके पास क्या है, 32 है। ये 32 प्लस का इधर गया तो माइनस का हो जाएगा, तो जैसे ही यहाँ पर माइनस का होगा तो देखिए कितना होगा, 9/5 सी यहाँ पर लिखूंगा 95 माइनस कितना लिखूंगा, 32। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर बेसिकली कितना आ रहा है जरा देखिए, तो 3 में से यहाँ पर 2 गए तो आपके पास हो गया बेसिकली 3, यस 9/3 करेंगे तो आपके पास हो गया 63, यस कितना हो गया, 63 हो गया। सी निकालना आपको यहाँ पर,
तो सी कैसे निकालेंगे जरा यहाँ पर, तो देखिए इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करूंगा यहाँ पर। तो आप क्या देखिए सी की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 63 इंटू बात करूंगा 5 डिवाइड में क्या करूंगा 9, डिवाइड में क्या कर रहा हूँ 9 कर रहा हूँ। क्लियर, कैंसिल आउट करें यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर कितना हो रहा है बेसिकली बात करें, तो देखिए आप कैंसिल, C is equal to कितना हो गया basically 7 into 5 is equal to कितना हो गया C is equal to 35 degrees। समझ आ चुका है आप? क्लियर, इस तरह से आप अपने रिजल्ट को निकाल सकते हैं। ओके देखिए यहाँ पर, तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है जरा यहाँ पर देखें। तो लिखा है यहाँ पर इफ द टेम्परेचर इज इक्वल टू 0 degree Celsius व्हाट इज द टेम्परेचर इन द फ़ारेनहाइट एंड इफ द टेम्परेचर इज इक्वल टू 0 degree Fahrenheit व्हाट इज द टेम्परेचर इन द सेल्सियस। तो देखिए यहाँ पर आपके पास दो क्वेश्चन एक साथ पूछे गए हैं, देखिए क्या क्या बोला गया है जरा यहाँ पर देखें। तो क्वेश्चंस के अंदर आपसे पास एक ही चीज बोली गई है, जरा उसको देखें। तो देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है जरा देखें। तो क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि जब आपके पास यहाँ पर 0 degree Celsius हो देन आपको फ़ारेनहाइट की वैल्यू निकालनी है, और जब आपके पास फ़ारेनहाइट की वैल्यू गिवन हो देन आपके पास सेल्सियस की वैल्यू निकालनी है। क्लियर, तो निकालते हैं यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर। तो देखिए फर्स्ट एंड फॉल बात करूँ यहाँ पर, तो आपके पास देखिए सी कितना दे रखा है बेसिकली बात करें तो 0 degree दे रखा है, देन आपसे पूछा गया है फ़ारेनहाइट की वैल्यू क्या होगी। और आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखिए तो जी फ़ारेनहाइट की वैल्यू आपके पास क्या दे रखी है 0 degree Celsius दे रखी है, 0 degree Fahrenheit दे रखी है, देन आपके पास सेल्सियस की वैल्यू क्या होगी ये आपसे पूछा है। फॉर्मूले के अंदर बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है बेसिकली बात करें, फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला आपके पास क्या है एफ इज इक्वल टू क्या होता है आपके यहाँ पर 9/5 सेल्सियस डिग्री प्लस बात करो आपके पास कितना 32 है। अब जब आपने इसको जीरो कर दिया, यस आपने यहाँ पे क्या किया सी की वैल्यू क्या किया जीरो, तो 0 × 9/5 इज इक्वल टू क्या हो गया जीरो हो गया, तो ये पूरा टर्म क्या हो गया जीरो हो गया। तो यहाँ पर आपके पास केवल क्या मिलेगा 32 मिलेगा। तो एफ की बात करूँ यहाँ पर तो एफ आपके पास कितना होता है बेसिकली बात करें 32 degree Celsius होता है, एफ आपके पास कितना होता है 32 degree Celsius होता है। क्लियर, चले इस क्वेश्चन के ऊपर। तो देखिए यहाँ पर बात करूँ तो देखिए आपके पास क्या लिखा है एफ इजिकल टू क्या होता है बेसिकली बात करें 9/5 Celsius प्लस आपके पास कितना होता है 32 होता है। क्लियर, ओके फ़ारेनहाइट की वैल्यू जीरो, तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू जीरो तो यहाँ पे होगी जीरो। क्लियर, यहाँ पे आपके पास क्या हो गया जीरो हो गया, तो आपके पास हो गया जीरो इजिकल टू माइनस का 32 हो जाएगा बेसिकली। तो माइनस का 32 इंटू बात करूं 5 डिवाइड में आपके पास क्या चल रहा है 9, ये आपके पास सेल्सियस के अंदर आने वाला है, ये आपके पास क्या होना है 9 सेल्सियस आने वाला है। ओके अब जरा कैंसिल आउट करें थोड़ा सा यहाँ पर, 5 2 जाओगे 10 क्या लग चुका है यहाँ पर 5 3 आपके पास कितना 15 15 और 1 हो गया आपके पास 16, यस आपके पास 16 माइनस 16/9 ये आपके पास डिग्री सेल्सियस के अंदर आएगा। क्लियर, तो इस तरह से आपका जो रिजल्ट है वो किस तरह से आएगा, आई थिंक क्लियर हो चुका है यहाँ पर क्वेश्चन किस तरह से करना है, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर ग्राफ किस तरह से रिप्रेजेंट करना है ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी है। क्लियर, तो आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। ओके चले हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, इज द टेम्परेचर विच द न्यूमेरिकली इज द सेम ऑफ द बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस If yes and find out, तो आपके पास बोला जा रहा है यहाँ पर क्या numerically आपके पास यहाँ पर Fahrenheit और Celsius की वैल्यू को सेम किया जा सकता है या नहीं कर जा सकता है? ये बताइए इस देयर इज द टेम्परेचर विच इज द numerically आपको बताना है द सेम इन द बोथ Fahrenheit एंड Celsius। तो आपको बेसिकली क्या करना है, आपको बताना है ऐसी वैल्यू पे जहाँ F और जो C है वो दोनों आपके पास क्या हो जाए सेम हो जाए, F और C आपके पास क्या हो जाए सेम हो जाए, इस वैल्यू को बताना है। क्लियर, इफ यस तो देन फाइंड आउट करना है यहाँ पर, तो चेक कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो क्लियर, तो देखिए फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला देखते हैं यहाँ पर, फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला क्या है बेसिकली 9/5 Celsius प्लस यस 32 होता है। क्लियर, अब हमें क्या करना है इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर देते हैं, तो मैं यहाँ पर एफ की जगह क्या करता हूँ सी कर देता हूँ, एफ की जगह क्या करता था सी कर देता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पर क्या किया सी इज इक्वल टू किया तो आपके पास क्या 9/5 सी प्लस 32 हो चुका है। क्लियर, ओके अब जरा यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये प्लस का 32 है इस तरफ आएगा तो माइनस का 32 हो जाएगा, या फिर एक काम कर दीजिए यहाँ पर एलसीएम लेके इससे मल्टीप्लाई करवा दीजिए। तो देखिए मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा 5c इस तरफ आएगा, यहाँ पे बात करूँ तो 9c आपके पास इस तरफ रहेगा प्लस बात करूँ आपके पास 32 इंटू आपके पास क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्लियर, 32 इंटू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्लियर, ओके अब देखिए ये 9c है प्लस का, इस तरह आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, 9c माइनस 5c इज इक्वल टू आएगा माइनस का 4c हो जाएगा। तो यहाँ पे बात करूँ इस तरफ बात करूँ तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा माइनस का 4c, यस माइनस का 4c आ जाएगा इस तरफ, और यहाँ बात करें तो आपके पास क्या जाएगा 5 2 जो 10, यस 5 2 जो कितना होगा 10, 10 का 0 कैरी लग चुका है 1, 5 3 जो 15, 5 3 जो कितना हो गया यहाँ पर 15, 15 और 1 हो गया 16।
तो यहाँ पर बात करें तो आपके पास कितना गया 160 डिग्री हो गया, क्लियर। अच्छा देखिए सेल्सियस की बात करें यहाँ पर तो सी की वैल्यू यहाँ पर बेसिकली कितनी आ गई है, यहाँ पर माइनस का 160 डिवाइड बाय क्या हो गया 4 जा कितना हो गया 16, तो यहाँ पर हो गया 40 डिग्री सेल्सियस माइनस का। तो देखिए सी की जो वैल्यू आपके पास निकल के आई है माइनस का 40 डिग्री सेल्सियस आई है, यस सी की वैल्यू क्या आई है आपके पास वैल्यू माइनस का 40 डिग्री आई है, तो सी की वैल्यू माइनस का 40 है, फैरनहाइट की वैल्यू भी कितनी है माइनस का 40, तो यहाँ पर जो रिजल्ट आपके पास निकल के आया है माइनस का 40 डिग्री आपके पास कोई भी सेल्सियस ले लीजिए फैरनहाइट ले लीजिए दोनों केसेस के अंदर क्या होगा सेम होगा, क्लियर समझ में आ चुका है यहाँ पर। तो इस तरह से अपने क्वेश्चन को रिजल्ट दे सकते हैं, क्लियर। तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन है वो सारे कंप्लीट हो गए हैं यहाँ पर। आप मिलेंगे हमारे नए अगले वीडियो लेक्चर के अंदर जहाँ पर आप एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे, क्लियर। तो आप मिलेंगे हमारे अगले वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।